फिरोजाबाद का पीढ़ी जैन मैदान आज एक ऐतिहासिक दिन का साक्षी बना, जहां जिला प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए 5100 कन्याओं का देवी रूप में पूजन कर उन्हें भोजन करवाया। दरअसल सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, समाज में गर्भ में ही जिन बेटियों को मार गिराया जाता है या बेटियों को बोझ समझकर उन्हें चूल्हा चक्की करवा कर उनकी शादी कर दी जाती है, ऐसे समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ साथ एक मिशन में लगी हुई है और तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपना संदेश समाज तक पहुंचाने का काम करती है। का जो है किस तरह का कार्यक्रम है और कैसे ये सोच आपको मिली? देखिए, जो एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे देश में मनाया जाता है, दुर्गा अष्टमी का पर्व, इस पर्व में विशेष रूप से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि बच्चियों के उद्धार के लिए जो इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, इस कार्यक्रम को क्यों ना दुर्गा अष्टमी के दिन उसको साथ में जोड़ा जाए और एक ऐसा हम लोगों ने माहौल संजोया जिसमें पूरी टीम ने एक बहुत टीम भाव से काम किया है। स्कूल की बच्चियों को दुर्गा अष्टमी के दिन उनका कन्या का पूजन होना और एक महाभोज का की तैयारी, ऐसा कुछ हम लोगों ने प्रशासन ने यहाँ पर आयोजित किया है फिरोजाबाद में। जो मूल थीम थी वो ये थी कि कन्याओं की जिस तरह से पूजन किया जाता है हमारे देश में, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि हमारा जो सेक्स रेशो है और ख़ास तौर पे जो 0-6 जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो निरंतर गिरता जा रहा है, तो एक जन जागरूकता का बहुत बड़ा माध्यम और धार्मिक भावनाओं से उसको जोड़ते हुए देखने का हम लोगों ने एक सोच जो थी उसको विकसित किया और आज आप लोग देख रहे हैं कि 5100 कन्याओं की पूजन का हम लोगों ने आज टारगेट रखा था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुतायत में यहाँ पर बच्चियाँ उपस्थित हुई हैं और इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। थैंक यू। इसी कड़ी में आज फिरोजाबाद के पीढ़ी जैन इंटर कॉलेज के मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम प्रशासन द्वारा रखा गया, जहां एक तरफ लोग अपने घरों में 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं, वहीं प्रशासन ने बेटियों को देवी रूप में पूजते हुए 5100 कन्याओं का पूजन किया, उन्हें भोजन भी करवाया, समाज को एक संदेश दिया, अगर बेटियां नहीं होंगी तो कैसे नवरात्र में वो देवियों की पूजा कर उन्हें पूज सकेंगे। और उसी पंक्ति में अपना व्यवस्थित कर रहे हैं, जिससे 100 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और सही एक पंक्ति है। आप यहाँ क्यों आई हो, क्या कार्यक्रम है ये? डीएम में हमने बुलाया है जी, काहे के लिए? कन्या के लिए। कन्या भोज में आई हो? हाँ। मोनिका, मोनिका आज यहाँ क्यों आई हो? मैं हमने बड़ी डीएम ने बुलाया है भोज के लिए, कन्या भोज के लिए। आप सब लोग आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। चेयरमैन साहब, आज किस तरह का कार्यक्रम है, आप यहाँ पे आए? आज हमारे जनपद फिरोजाबाद में हमारी जिले की मजिस्ट्रेट जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा ये आयोजन किया गया है। ये बेटियों के लिए है, जो उनका उनके लिए पूरे भोजन का इंतज़ाम किया गया है, पूरे 5100 के करीब बेटियों का भोजन का इंतज़ाम किया गया है और जो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम है, इससे हमारे जनपद में एक अच्छा संदेश जाएगा कि बेटियां हमारे लिए एक गौरव हैं, बहुत आन बान और शान है की प्रतीक हैं बेटियां हमारी। बेटियों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वही जो है हमारे आगे चल के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम बहुत भव्य प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया, जिले के कोने कोने से स्कूलों से बेटियों को बुलाया गया और समुचित तरीके से 10 सेंटर बनाकर सभी को एक साथ भोजन और उनका पूजन किया गया। पूरे प्रदेश में ये सबसे बड़ा आयोजन रहा और स्थानीय लोगों ने इसे देखकर इसकी सराहना भी की। व्यवस्थित कर विधायक
प्रशासन ने भोज के लिए बुलाई है और बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोटो है उसको लेकर अब आप पहले कैसे देख रहे हैं इसको और क्या कहेंगे इसके लिए? मेरे सार्वजनिक जीवन की अनूठी पहल है। जिला प्रशासन ने जो सामान्यतः केवल अपनी इतिश्री संवैधानिक कर्तव्यों पर पूरी करता है, तो ये संविधान की मूल आत्मा हमारा समाज है और सामाजिक मान्यताओं को जब तक हम अगर सही स्थान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो वाली बात करते हैं कि हमने अपने पिता को समझा तो बाबा को ना समझा, बाबा को समझा तो पिता को न समझा। यह पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय संस्कृति का यह एक ऐसी परंपरा है जिसमें के बढ़ती बच्ची को जैसे मैंने पैर छुए मेरे को घमंडी नहीं लगा। क्यों? मैं आज मैडम को लग रहा होगा, आप तो जानते हैं मैं सारे फिरोजाबाद में जो माता बहना मिलती है उनके पैर छूता हूँ। छूते ही तीन काम हो जाते हैं मेरे। अगर मेरी नौटंकी है तो नौटंकी मान लो, अगर श्रद्धा का भाव है तो ईश्वर जान रहा है। तीसरी बात यह है कि महिला के प्रति यह सार्वजनिक मेरा आदर भाव कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करता है। आज मेरे मुख्यमंत्री जी भी कन्याओं के पैर पूज रहे हैं। इधर तो मातृशक्ति के पैर पूजना, मातृशक्ति के पैर पूजना यह यहीं से सिखाता है कि हम और हमारे आने वाली संतति माताओं बहनों को उपभोग की नहीं आराध्य की भाव से समझे। ये नारी भोग्या नहीं है, नारी पूज्या है और नारी के चरणों में ही पूरे सृष्टि का संसार है। वही भाव से आज ये 5100 बेटियों का जो मुझे पता लगा है, मैं पीछे से आ रहा था कि 5100 की जगह आ गई है 6000 से ऊपर। तो अभी हमारा एक टास्क और है कि हम प्रसाद और पीछे से भरवा के लाएं। मैं अपने जिला